अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पास्ता की रेसिपी। बहुत सिंपल और मज़े की रेसिपी है ये। उसके लिए हम पहले चीज़ें देख लेते हैं। 200 ग्राम मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ। 2 कप पास्ता। पास्ता को बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1.5 टीस्पून नमक यूज़ करूँगी। चिकन की ग्रेवी तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 4 टेबल स्पून फ्रेश मिल्क क्रीम, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, रेड एंड ग्रीन चिलीज लंबाई में कट की हुई, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून टिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला एंड 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 कप कुकिंग ऑयल। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड करने के बाद सोया सॉस, चिली सॉस, कसूरी मेथी, टिक्का मसाला, गरम मसाला, नमक, सुरख मिर्च पाउडर और फ्रेश मिल्क क्रीम। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो हमने इस पे चिकन पे लगाना है अच्छे से लग जाए। इसे अच्छे से मैंने मिक्सअप कर लिया है और अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम अपना पास्ता बॉईल कर लेते हैं। नॉनस्टिक कढ़ाई ली है मैंने यहाँ पे, इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है और पास्ता मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। सारा चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम के नीचे मैंने मीडियम ही ऑन की हुई है। चिकन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे गलाने के लिए कवर करके रख देंगे। 20 मिनट के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया था चिकन को गलाने के लिए। चिकन हमारा गल चुका है। अब मैं इसके अंदर केचप ऐड कर दूंगी। सारा केचप ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें ग्रीन चिलीज और रेड चिलीज ऐड कर दूँगी। और इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए मैं अगेन कवर कर दूंगी। मज़ीद 2 मिनट के लिए इसे मैंने कवर किया था केचप डालने के बाद। ये देखिए फ्लेम इसके नीचे पहले मैंने लो कर दी थी और थोड़ी सी मैं मीडियम कर दूंगी और इसके अंदर मैं बॉयल पास्ता ऐड कर दूंगी। पास्ता ऐड करने के बाद
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं ये चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, पहले मैंने नहीं दिखाए थे। अगर आपको सही लगे तो आप इसे यूज़ कर लें, वरना आप रहने दें। इसे बस ये है कि थोड़ा स्पाइसेस में इजाफा हो जाएगा पास्ता ऐड करने के बाद। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मज़ीद 2 मिनट का हम इसे और दम दे देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करके। 2 मिनट का इसे मैंने दम दिया था पास्ता ऐड करने के बाद। मज़ेदार चिकन टिक्का पास्ता की रेसिपी हमारी बन के रेडी है। अब इसके नीचे हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार चिकन टिक्का पास्ता की रेसिपी बन के रेडी है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसके ऊपर ग्रीन चिली और रेड चिली और ऐड करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।